आस्किंग फॉर ट्रबल। लेट मी टेल यू द फैक्ट्स, सीआरपीएफ पीपल आस्क फॉर एयरक्राफ्ट टू फेरी देयर पीपल बिकॉज इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। आपसे पूछा था जी? आपसे मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे, होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहां, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता, 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे में, मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है और उन्होंने कहा, और मैं ये बोल भी चुका था एक दो चैनल को इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज है, हमें बोलने दो। मैं ठीक है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि ये हमारी गलती के कारण हुआ कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी, और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे चुप रहो, इन अदर वर्ड्स डोंट लेट पीपल नो वी मेड अ मिस्टेक। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। उन्होंने कहा सतपाल भाई ये मत कहो। सो व्हाट यू आर सेइंग, मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूं, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ऑनर्स पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान, एग्जैक्टली, एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली, बट यू सेड टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। द प्राइम मिनिस्टर न्यू बिकॉज यू हैड टोल्ड हिम ये हमारी गलती के कारण हुआ है। मुझे बिल्कुल याद है, ही वाज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहां फोन नहीं होता है, वहां से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूं, सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप।